Ma'am, Yes. I don't know Yes, why, Sweetie. but no, now from few days, the same link is not same anymore. For me, it shows the host has another meeting in progress. Okay. मैम, Okay. Yes. मैं जो आपको मंदिर के बारे में बात कर रहा था ना, वो एक्चुअली अजंता एलोरा ही है। मेरे को अभी पता। यस या तो मैं भी सोच रही थी कोई दूसरा, फिर मैंने सोचा कोई दूसरा भी मंदिर होगा शायद, इसलिए फिर मैंने आपको क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया। अच्छा, ओके। तो और एक मंदिर है जो उसके बारे में मैं चाहे तो आपको सिर्फ जनरल नॉलेज के बारे में बताना चाहूंगी। अंकुर वाट टेम्पल, ये बहुत बड़ा टेम्पल है, ये देखे इसके, ये मंदिर के पीछे भी बहुत ज्यादा थेरीज है। तो अगर आपको देखना है तो मैं आप सबको एक पर्सन का रेफरेंस दूंगी। ये एक पर्सन है दैट इज प्रवीण मोहन, ही इज अ आर्कोलॉजिस्ट, और ये टेम्पल्स जो होते हैं ना उसके बारे में बात करता है। फिर उसके ऊपर एक यूट्यूब वीडियोस है, तो आप प्रवीण मोहन अजंता एलोरा भी टाइप कर सकते हो तो अजंता एलोरा के बारे में वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। प्रवीण मोहन आप अंकुर वाट टाइप कर सकते हो तो वह उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो ही इज अ वेरी गुड, मतलब जो काम करते हैं ना उसमें ही इज वेरी गुड, तो आप देख सकते हो मुझे वैसे ये टाइप सब, मैं कर। ऐसे शॉर्ट्स वीडियोस देखता हूँ। सो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं वो, और वो पूरा टेक्निकली इंफॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यू एंटर द टेम्पल, टेम्पल का एंट्रेंस यहाँ पे क्यों है, या फिर हिस्टोरिकली ऐसे क्यों है, या फिर उस जमाने में ऐसा कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, फिर इन्होंने कैसे किया, फिर वो खुद आपको सवाल पूछता है और आपको क्वेश्चन करने के लिए बोलता है। ठीक है, तो अभी ये डांसिंग गर्ल, अभी डांसिंग गर्ल के बारे में ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बस वो डांसिंग गर्ल का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि मतलब हमारे चैप्टर का नाम क्या है, अप्रिसिएशन, ओके, हमारे आर्ट का और हिस्ट्री का। तो आर्टिस्टिक है, टेक्निकल स्किल्स है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा है सबने? लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन था। ओके, तो मतलब उस जमाने में आपको ये सिविलाइजेशन में देखने को मिलेगा। प्लम्बिंग सिस्टम थी, पाइपलाइंस थे, द ग्रेट बाथ था। हमें लगता है कि हमने अभी ये सब इन्वेंट किया है, बट तब भी था। तो मतलब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये जो है आर्ट है, स्कल्पचर है, 4 इंचेस का है स्कल्पचर। कलेक्शन इसका नेशनल म्यूजियम में है, और मीडियम इसका मेटल में बना है और हरप्पन पीरियड का है। तो इसमें भी बस वो जो आप जो देख रहे हो डांसिंग गर्ल का स्कल्पचर, इसकी उसमें तारीफ की जा रही है कि मेटल का बनाया गया, आर्टिस्टिक रिफाइनरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्कल्पचर है। या फिर आप उसकी हेयर स्टाइल नोटिस की हो कि कैसे उसने हेयर स्टाइल में बन डाला है, या फिर वो कैसे ऐसे स्टाइल में खड़ी है, उसके यहाँ पे चूड़िया है जो आज भी लोग कल्चर्स में वैसी चूड़िया ऐसे शोल्डर के पास पहनते हैं, फिर इतने अच्छे से कास्टिंग की है, क्यूरियस पोस्चर है उसका हम देख रहे हैं। तो फिर उसके लेफ्ट हैंड में लेफ्ट थाई के बारे में बता रहे हैं, ट्रिमेंडस मॉन्यूमेंटलिटी है, मतलब जैसे उस प्रकार जो उन्होंने जो स्कल्पचर बनाया है। और फिर बोल रहे कि इट सीम्स कि मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 इंच हाइट का है, और ये बहुत ही रियली यूनिक क्राफ्टमैनशिप है, आर्टिस्टिक स्किल है, ब्लेंडेड सक्सेसफुली एज अ डांसिंग गर्ल। तो इसमें कुछ डाउट है? ये सब आर्ट जो है हरप्पन पीरियड में किया गया। ओके, नो डाउट तो अभी मैम। तो अभी हर जो स्कल्पचर है इसके बारे में ऐसे ही है। अभी ये स्कल्पचर है, इसका नाम क्या है, रामपुरा बुल कैपिटल। ओके, तो अभी स्कल्पचर के पहले हम थोड़ा सा स्कल्पचर को नोटिस कर लेंगे। ओके, तो नीचे देखो इसका कैसा पॉइंट है, फिर उसको एक बेस दिया गया है, फिर वो बेस के ऊपर, मतलब ये जो स्कल्पचर के बारे में जब पढ़ना होता है तो पहले स्कल्पचर को अच्छे से ऑब्जर्व करो, अच्छे से स्टडी करो। जैसे हम पेंटिंग एग्जीबिशंस में जाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते यार ये पेंटिंग मिलियंस में कैसे बिक गई, इसका तो कुछ अर्थ नहीं मुझे समझ में आ रहा। तो ये जो सब स्कल्पचर्स है ना, इसको देखो आप, ऑब्जर्व करो, और वही जो है
आपका जो आंसर है उसमें वही लिखा जाता है। ओके तो अभी स्वीटी स्वीटी ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पहला पैराग्राफ स्वीटी ने पढ़ा था ना। प्रियंका ये पढ़िए, रामपुरा बुल कैपिटल। रामपुर का बुल कैपिटल। टाइटल, रामपुर का बुल कैपिटल। मीडियम, पॉलिश सैंडस्टोन। डेट, मौर्यन एम्पायर 3rd century BC। फाइंडिंग साइट, रामापूर्व। साइज 7 feet अप्रोक्स। आर्टिस्ट अननोन। कलेक्शन, इंडियन म्यूजियम कोलकाता। जनरल डिस्क्रिप्शन, एम्परर अशोका एंग्रेव्ड हिज एडिक्ट्स एंड टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा ऑन पिलर्स, रॉक्स, सर्फेसेस एंड टेबल्स। अशोकन पिलर्स हैव बीन फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट एक्सट्रीम सदर्न रीजन। His pillars consisted of 3 parts, a base, an elegant shaft, and decorated crown of the pillar called the capital. Capital are mostly consistent of one or more animal figures, an inverted lotus, which serves as the base of these animal figures. The thick disc-like of a structure known as abacus is between the animal and the lotus. Bull capital is one of the most famous ones among the Ashokan capitals. It is also known as Ramapurva Bull Capitals after the name of the place from where this is found. This particular one is comprised of a bell-shaped inverted lotus as the base, the abacus on the top of the animal part, a majestic bull. There are plant designs around the abacus. Scholars are opinion that these motifs that had either come to from earlier Middle East or post-Greek style. The design are very minutely and accurately carved. The figures of bull dominates over the lotus and abacus. Through the part of the stone in between the four legs, it is not carved out. It does not disturb the strength of beauty of the bull. We can feel the weight of and power of the animal, and there lies the success of the artist. In fact, the ornate quality of the lotus base and abacus create a contrast with the plain representation of bull. The carving of the bull obviously shows with the mastery of the Indian sculpture over their subject. What is unique about this bull capital? It is extremely polished quality. This one of the most important characteristic of the Mauryan culture from Ashokan period. According to the scholars, the technique of a high polish was learned from sculpture of Middle East. Okay. तो ये स्टडी करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे आप कभी कोई टेम्पल में या फिर मस्जिद में या फिर चर्च में कभी गए हो? यस मैम। तो हम वहां पे देखते हैं कार्विंग्स, वहां पे पिलर की कार्विंग देखते हैं, तो मे बी हम नोटिस नहीं करते होंगे, बट हमें देखना चाहिए कि मतलब कैसे वो पिलर है, कैसे बनाया है। तो पिलर के ना ऐसे 3 पार्ट होते हैं, ऐसे देखा जाए तो एक टॉप होता है, फिर एक अबैकस टाइप होता है जो उसे होल्ड करता है। ओके और जो है जो पिलर जो होता है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो एक बेस, एलोंगेटेड शाफ्ट एंड डेकोरेटेड क्राउन ऑफ द पिलर, राइट। तो अभी इसमें जो होता है उसे कैपिटल बोलते हैं। तो अभी हर एक पिलर में ऐसे आपको 3 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। तो अभी ये जो है ये पिलर हमें दिख रहा है, 3 पार्ट्स में दिख रहा है, ठीक है। तो उसको स्टडी करना है हमें और उसकी इसमें तारीफ करनी है कि कैसी ये डिस्क के ऊपर जो पिलर है। ओके फ्लोरल डिजाइन है वो डिस्क के ऊपर, नीचे एक लोटस है। ओके उल्टा लोटस है, मैं आपको इजी शब्दों में बोल रही हूँ, ठीक है।
फिर मतलब उसके ऊपर जो बुल है, बुल मतलब रखा है, बुल कितना अच्छे से उन्होंने काव किया है, इससे हमें समझ में आ रहा है कि जो आर्टिस्ट है उसका उसके सराउंडिंग के प्रति कितना ज्यादा ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो बुल की जो स्ट्रेंथ है, हमें वो बुल की स्ट्रेंथ को देख के ही समझ में आ रहा है कि वो बुल कितना ताकतवर रहा होगा, राइट? तो उसी को आपको क्या करना है, धीरे 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 उसकी तारीफ करनी। कोई डाउट इसमें? ओके, तो फिर उसमें ऐड करना है कि टाइटल, मीडियम, डेट, फाइंडिंग साइट कहाँ पे मिला है आपको ये साइट। ओके, फिर कित साइज क्या है, 7 फीट है, आर्टिस्ट हमें पता नहीं है, कलेक्शन इसका इंडियन म्यूजियम में है, एम्परर किसने एनग्रेव किया है इसे, ओके, अशोका एम्परर ने किया है, ओके, और टीचिंग्स किसकी थी, लॉर्ड बुद्धा की थी, पिलर के 3 पार्ट्स थे, फिर पिलर के 3 पार्ट्स में रामपुरा का जो बुल था वो कैपिटल पार्ट में था, फिर उसमें जो है इन्वर्टेड लोटस था, एक थिक डिस्क थी स्ट्रक्चर का, उसे क्या बोलते हैं, वो थिक डिस्क को अबाकस बोलते हैं, ओके, लोटस टाइप इन्वर्टेड लोटस था उसमें, फिर उसी को इलेबरेट करना है, कितना मैजिस्टिक बुल था, कितना अच्छे से उन्होंने स्टाइलिंग किया था बुल का, ओके, फिर इन्होंने स्कॉलर्स का ओपिनियन है कि ये जो मोटिव्स थे मतलब अर्लियर मिडल ईस्ट पोस्ट ग्रीक स्टाइल से इन्होंने मतलब इंस्पायर होके बनाए थे, फिर ब्यूटी ऑफ बुल, ऐसे ही इसको आपको क्या करना है, सहारना है, जैसे ना हम किसी की तारीफ करते हैं, तो ये तारीफ जो है टेक्निकल टर्म्स में करनी है, ज्यादा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ओके, ऐसा नहीं सोचना ये क्या दे है क्या नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, ओके। अभी ये जो है ब्लैक प्रिंसेस, तो अभी इसमें हम देखेंगे, ये एक पेंटिंग आई थिंक ये वॉल पे या फिर कपड़े पे बनी हुई है, तो अभी आप इसको ऐसे ऑब्जर्व कीजिए कि ये प्रिंसेस कैसी है, ऐसी है नीचे देख रही है, ठीक है, उसकी आंखें कैसे कलर की गई है, या फिर उसके ऊपर ज्वेलरी कैसी है, राइट? तो ये सब चीजें हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करनी है। तो अभी मैं थर्ड वाला खुद ही पढ़ के बता देती हूँ कि अभी लेट हो रहा है। ब्लैक प्रिंसेस, ब्लैक प्रिंसेस क्या है, वॉल पेंटिंग है म्यूरल की, डेट है इसका गुप्ता वकटका पीरियड, फाइंडिंग साइट कहाँ पे है, अजंता में मिली हुई है, साइज इसकी है 20 फीट बाय 6 फीट अप्रोक्सीमेटली। अभी ये मिली है हमको द केव्स जो है औरंगाबाद में सिचुएटेड है, अजंता एलोराज, ओके, उसके आजू बाजू में एक गांव भी है जिसे अजित बोलते हैं, जो केव्स है इंक्लूडिंग द अनफिनिश्ड वन आर 13 नंबर, कितनी केव्स है वहां पे, फिर वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि 30 केव्स है वहां पे, फिर बता रहे हैं कि केव्स जो है सर्व्ड एज चैत्यास, तो केव्स को क्यों मतलब क्या करते थे, केव्स बनाते, जैसे नहीं हम ऐसे सुनते हैं कि पहले के जमाने में तू क्या पागल है क्या, रूम में बैठता है, तेरी क्या गुफा है क्या रूम, ऐसे हम नहीं किसी को कमेंट करते हैं, तो पहले के जमाने में ऋषि मुनि क्या करते थे, चैत्यास बोलते थे उनको, तो केव्स उनकी जो होती थी वर्शिपिंग प्लेस होती थी, वहां पे वो तपस्या करते थे, ध्यान करते थे, साधना करते थे, एंड मोस्ट ऑफ देम वेर विहारास, विहारास का मतलब जो होता है मॉन्टेसरीज, मॉन्टेसरीज का मतलब होता है जैसे अभी ये वर्शिपिंग की प्लेस होती है, तो उसमें मतलब अलग अलग कैटेगरीज आती है, तो वहां पे मतलब उनका डीटी होती थी, उनके वर्शिप के मेथड्स होते थे, लोग वहां पे रहते थे, ओके, तो अजंता पेंटिंग्स जो थी वेर डन इन टू फेजेस, अजंटा पेंटिंग्स, तो फर्स्ट फेज इसको क्या बोलते हैं, हिनायाना फेज, तो जहाँ पे बुद्धा इज रिप्रेजेंटेड एज सिंबल, और फिर दूसरा फेज है महायाना फेज, जहाँ पे जो है वेर ही शोन एज अ ह्यूमन फॉर्म, ओके, पहला लॉर्ड बुद्धा को रिप्रेजेंट किया है सिंबल में, जैसे हम देख सकते हैं शिवजी को एज अ सिंबल शिवलिंग में रिप्रेजेंट किया है, और महायाना फेज में उनका जो जैसे शिवजी का ह्यूमन फॉर्म भी बताते हैं, तो वो बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में भी बताया है। तो अभी मोस्ट जो है अजंता पेंटिंग्स जो है कहा कब की थी, वटकटा पीरियड में की थी, अजंता पेंटिंग्स क्या करती है, एक यूनिक पोजिशन हमें पता ही है हिस्ट्री में होल्ड करती है, फिर अजंता पेंटिंग्स आर नॉट डन इन फ्रेस्को, फ्रेस्को में नहीं करते, अभी फ्रेस्को क्या होता है, फ्रेस्को एक टेक्निक होती है जहाँ पे कलर्स जो होते हैं मिक्स होते हैं वाटर सॉल्युबल बाइंडर्स के साथ, ओके, एंड पेंटेड ईदर ऑन ड्राई और वेट प्लास्टर उसके ऊपर, अभी अजंता, बट अजंता आर्टिस्ट हैव यूज ट्रेडिशनल टेक्निक टेम्परा, अभी टेम्परा क्या है हम देखते हैं, आपके यहाँ पे जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आपको मिलेंगे
उसकी मीनिंग्स यहाँ पे, स्टैचुएट्स का मतलब होता है स्मॉल स्टैचूज, यूटिलिरियन का मतलब होता है एनीथिंग जिसमें यूटिलिटी पर्पज करती है, लैंकी का मतलब होता है जैसे नहीं डांसिंग गर्ल को बोला है कि लैंकी है वो, थिन है वो फिगर, टॉल है, शाफ्ट का मतलब होता है नैरो यूजुअली वर्टिकल स्पेस, एडिक्स का मतलब होता है ऑर्डर प्रोक्लेम्ड बाय अथॉरिटी, फ्रेस्को का मतलब होता है काइंड ऑफ पेंटिंग वेट वॉल पे किए गई, पोर्ट्रेट हमें पता है ड्रॉइंग फोटोग्राफ एक पर्सन का जो निकालते हैं, स्टुपा होता है मेमोरियल ऑन रिमेन्स ऑफ सेंट और वर्शिप प्लेसेस के बुद्धिस्ट में, टेम्पररीज होता है वाटर मिक्स्ड विद व्हाइट, ओके तो इसे टिंट बोल सकते हैं। फिर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, कॉमन जनरल वर्ल्ड, अपोजिट ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मटेरियल मतलब जो हम नहीं सब मटेरियल में रहते हैं उसे मटेरियल बोलते हैं, और स्पिरिचुअल लोग क्या करते हैं दे कनेक्ट विद द हायर सेल्फ, ओके। फिर लिरिकल जो है पोएम लाइन, इसमें ग्लॉसरी वर्ड्स जो है वो हमेशा पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। अभी हम देखते हैं तो टेम्परारा, टेम्परारा मतलब उन्होंने क्या किया है, जो भी ट्रेडिशनल टेक्निक कर रहे हैं उसमें व्हाइट पेंट जो है ऐड करके जो है वो पेंटिंग को है बना रहे हैं। अभी जो थीम है अजंता पेंटिंग की रिलीजियस होती थी, ऑब्वियसली हम वो साइट अभी इकरा जाके आई होगी, वो टेम्पल है, रिलीजियस टेम्पल है, बट एट द सेम टाइम वो जो है बहुत ज्यादा स्कोप देता है आर्टिस्टिक वर्क को, क्रिएटिविटी और इमेजिनेटिव स्किल्स को, जैसे मैंने आपको अजंता की कुछ कुछ पिक्चर्स बताई, ओके तो उसमें कितना ज्यादा आर्ट था या फिर कितनी ज्यादा इमेजिनेटिव थी, क्रिएटिविटी थी। फिर रिलीजियस पेंटिंग कैन बी एंजॉयड बाय कॉमन पीपल, देखो ऐसे हमें लगता है कि जो रिलीजियस रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करते हैं वही रिलीजियस पेंटिंग फॉलो मतलब एंजॉय करेंगे, बट ऐसा नहीं है। देखो फॉर एग्जाम्पल इवन इफ somebody इज फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन और समथिंग, बट लाइक अगर वो कोई ब्यूटीफुल पेंटिंग देखता है किसी रिलीजन का तो वो उसे एंजॉय ही करता है ना, क्योंकि आर्ट में कोई रिलीजन नहीं आता, ओके जब आप आर्ट कर मतलब जैसे कोई भी कला होती है, कला में रिलीजन नहीं होता है, कला में जो होता है वो जो पर्सन होता है जो वो उसको निहार रहा है, जो उसको बना रहा है, वो कला होती है, ओके इट इज बियॉन्ड रिलीजन, ओके देन द बेस्ट पार्ट इज रिलीजियस, ओके ब्लैक प्रिंसेस, अभी ब्लैक प्रिंसेस के बारे में बता रहे हैं, इज नो डाउट बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अजंता पेंटिंग। तो इसमें हम देख रहे हैं कि फ्री फ्लोइंग लाइन है, आपने कभी पेंटिंग्स की होगी तो, ओके सटल रिदम है बॉडी काउंटर का, स्लाइट टिल्ट है उसके फेस के ऊपर, ओके द कर्व्स आर ऑफ आईज पे कर्व्स है, ऑल शो मास्टरी ऑफ आर्टिस्ट एंड हिज कंट्रोल ओवर द ब्रश, उसने ब्रश को कैसे कंट्रोल किया, जैसे अभी मैं ये लिखती हूँ इससे तो आपको समझ में आता होगा कि मेरा इसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, कैसे भी मेरी राइटिंग चली जाती है, राइट। तो अभी ये जो पेंटिंग कर रहा है तो ये कितनी अच्छे से पेंटिंग कर रहा है, उसका ब्रश के ऊपर कितना कंट्रोल है, ओके इवन द डैमेज पेंटिंग्स हमें क्या देती है, गिव द क्लियर पिक्चर ऑफ द ब्यूटीफुल कलर्स, उन्होंने कितने अच्छे कलर्स उसमें यूज किए थे, देयर इज अ लिरिकल क्वालिटी इन द पेंटिंग, जैसे नहीं हमें वो पेंटिंग को देख के ऐसे एकदम खो जाने का मन करेगा कि ओ सो ब्यूटीफुल पेंटिंग, द सॉफ्टनेस ऑफ द बॉडी काउंटर, पूरा बॉडी का जो काउंटर है, अभी लड़कियां काउंटरिंग करती होंगी मेकअप करते वक्त तो वैसे उन्होंने भी बॉडी काउंटर किया है, सटल बेंडिंग ऑफ नेक, ओके ऐसे मतलब जैसे एकदम से ऐसे नहीं एकदम से एकदम नजाकत से वो ऐसी है, फिर कहा गया ओके गिव हेवनली क्वालिटी टू द पेंटिंग, जैसे हमें पता ही चल रहा है कि उसकी नजाकत से जैसे वो पोस्चर दे रही कि एकदम से मतलब नहीं स्वर्ग की परी, जैसे प्रिंसेस को तो ऐसे बोलते ही है, ओके द कलर्स यूज हैव बीन वेरी अर्थली एंड डिवोर्ड ऑफ एनी लाउडलेस, तो मतलब ऐसे एकदम न्यूट्रल कलर टाइप्स यूज किए हैं, ऐसे कोई भी ऐसे लाउड कलर उसमें यूज नहीं किया है, सो दिस इज द पेंटिंग। कभी इसमें कोई डाउट है आपको ब्लैक प्रिंसेस में? नो मैम। यस ओके तो आपके अभी ये देखो ये टर्मिनल क्वेश्चंस है, 60 टर्मिनल क्वेश्चंस है तो सॉल्व कर लेना, वी आर डन विद दिस चैप्टर, सो आई होप यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू, एक मिनट अटेंडेंस लेने दीजिए, टू स्टडी पेंटिंग चैप्टर मतलब आफ्टर वर्ड्स ऑल्सो, क्योंकि देखो इसमें ऐसे समझाने, देखो हिस्ट्री जो होती है ना हिस्ट्री में समझाने जैसी कोई चीज नहीं होती, हिस्ट्री में डिस्कशन होता है, हिस्ट्री जब कोई मतलब बोल रहा है आपको, जैसे कोई हमें स्टोरी बता रहा है तो इमेजिनेशन होता है कि अरे ऐसे बनाया होगा वैसे बनाया होगा ऐसे किया होगा, तो आप में कितना इमेजिनेशन है,
या फिर आप में कितना इंक्विजिटिवनेस है, इंक्विजिटिवनेस का मतलब क्यूरियोसिटी, जैसे नहीं लोग गॉसिप करते और इसका ऐसा हो गया, इसका ऐसा हो गया, इसने ये बनाया, उसको इतने मार्क्स मिले, तो वही हिस्ट्री है कि पहले के जमाने में ऐसा हुआ था, बस हमें क्या है वो पूरा जो है मिल जाता है जो भी चीजें है, ओके तो इसलिए, और हमें बस इतना होता है कि वो लोग हमें पता नहीं क्या है क्या नहीं, इसलिए उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, तो ऐसे कनेक्शन फॉर्म करना चाहिए वो लोगों के साथ कि क्या बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया, तो हिस्ट्री जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए. सो दैट इज इट फॉर टूडे. जो भी क्वेश्चन आंसर है, जो भी चीजें है, आप क्या करो अच्छे से सॉल्व कर लेना. सो कल एक डेटा एंट्री का चैप्टर लूंगी, फर्स्ट चैप्टर, तो डेटा एंट्री का भी मैं बता दूंगी कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है. तो आप क्या करो, ऑल टुगेदर सब सब्जेक्ट्स का आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो आप सब सब्जेक्ट्स पढ़ना शुरू रखो. ओके, सो बाय गौरवी, स्वीटी, इकरा, वागले, वारिया, अंशुल, जुनेद एंड प्रियंका, हैव अ नाइस डे, टेक केयर. ये इकरा और मारिया को ग्रुप में ले लो, कोई तो नोट्स के ग्रुप में ले लो, ग्रुप बना के डिस्कस करो सब लोग कौन कौन से ग्रुप में है, ले लो उनको भी नोट्स दो, क्योंकि वो कभी कभी आते हैं सेशन में, तो उनका कुछ मिस नहीं होना चाहिए. देखो सक्सेस जो होती है सबको साथ में लेके चलना है, सबको अच्छे मार्क्स आने चाहिए, ऐसा सोचो. ठीक है, चलो बाय बाय. और आप जब एनओएस के सेंटर में जाओगे तो यही आपके फ्रेंड्स होंगे वहां पे, नहीं तो सेंटर तो कितना बड़ा होता है. ओके, यस मैम, चलो बाय बाय. बाय बाय मैम, थैंक यू. और मैम मैंने